हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेशर अनलिमिटेड स्टडीज़ ऑन। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं क्लास एलेवेंथ कम्स नीट जेई बैचेस की। तो हम लास्ट क्लासेस में बच्चों डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट कर दिया था, और डिफरेंशिएशन में मैंने दो टाइप की बातें बताई थी कि डिफरेंशिएशन में आपको मेनली जो ध्यान रखना है, एक है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जिसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और दूसरा होता है डी वाई बाई डी एक्स, जिसको मैंने बताया था इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये दोनों चीज़ें मैंने आपको डिटेल में ग्राफिकल मेथड का यूज करते हुए सारी चीज़ें समझाते हुए मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। अब आप बताइए बच्चों कि ये चार जो क्वेश्चन हैं इनमें आपको किस में प्रॉब्लम है, ये चार क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनमें आपको किस में प्रॉब्लम है? ऋषिका बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम? नो सर, इसमें तो नहीं है प्रॉब्लम, बट जो आपने होमवर्क दिया था बट उसमें एक प्रॉब्लम थी बस। चलिए, तो ये हम पूरा कर चुके हैं, इसके बाद ये इसके पूरे फॉर्मूले थे ये भी कंप्लीट करा दिया। होमवर्क में ये दिया था बेटा, राइट? यस सर, और सर आपने एक शीट भी दी थी। ओके, एक शीट दी थी, तो वो क्वेश्चन मेरे को बोलिए, आप बोलिए कौन सा क्वेश्चन है, पढ़ करके बताइए। इफ y इज इक्वल टू रूट x प्लस 1 बाय रूट x। ओके, इफ y इज इक्वल टू रूट x प्लस 1 बाय रूट x, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा। y इज इक्वल टू रूट x प्लस 1 बाय रूट x, बिल्कुल सही लिखा मैंने? यस सर। हाँ, देन प्रूव 2x Then prove 2x dy by dx plus y minus 2 root x. Okay, y minus 2 root x equal to 0 होगा, है ना? Yes, sir. चलिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपके पास y is equal to root x plus 1 upon root x दिया गया है। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें या देखें इसको। सो y इज इक्वल टू बेटा ये है x की पावर 1 बाई टू और ये है x की पावर माइनस 1 बाई टू। बोलिए, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। हाँ, तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, या एक और तरीका है हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, हम इसका एलसीएम ले लें। अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो ये थोड़ा मेरे को सिंपल लगेगा। रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है ना? Yes, sir. अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डी बाई डी एक्स यहाँ लगाया और डी बाई डी एक्स मैंने यहाँ लगाया, किसके ऊपर? एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स के ऊपर, एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। कौन सा रूल लगेगा बेटा? डिवीज़न रूल लगेगा, आप जानते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर वाला। तो क्या होता है डिवीज़न रूल? आपको बताया था मैंने कि डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, है ना, डिनोमिनेटर बैठा रहेगा, रूट एक्स को रोक दो और डिफरेंशिएशन किसका कर दो? न्यूमरेटर का। तो एक्स का हो जाएगा 1 और 1 का 0। ओके, एक्स का 1 एंड 1 का 0 हो गया, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। फिर इसके बाद माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर है एक्स प्लस 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? देखो रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपने करा होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। क्लियर है? यस सर, क्लियर। हाँ, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपने करा होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 से 1 अपॉन 2 रूट एक्स आता है, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा? एक्स बन जाएगा। ये लिख दिया अपन ने, रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। क्लियर है सारी बातें? चलिए, अब जब ये सब कुछ क्लियर हो चुका है तो अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। एक्स को मैं डी वाई डी एक्स के साथ ले जाता हूँ। ओके, तो यहाँ मैं एक्स को डी वाई डी एक्स के साथ ले गया, तो ये कितना हो मेरे पास? एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स रूट एक्स इंटू 1, ये हो गया रूट एक्स माइनस
देखिए 1 अपॉन टू रूट एक्स है, 1 अपॉन टू रूट एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा x अपॉन टू रूट एक्स, और फिर ये कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टू रूट एक्स। बोलिए इतना होगा कि नहीं होगा? ओके अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो क्या चल रहा है, x dy by dx, देखिए पूरे का जो LCM आएगा वो आएगा हमारे पास टू रूट एक्स, टू रूट एक्स हमारे पास पूरे का LCM आ जाएगा, है ना, और टू रूट एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा रूट एक्स के साथ, तो ये बन जाएगा 2x माइनस x माइनस वन, ठीक है ना? ओके ठीक है। अब यहां से हम टू रूट एक्स को इधर मल्टीप्लाई, टू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू का, तो ये कितना हो गया 2x, इस टू को यहां पे ले गया, तो ये बन गया 2x dy by dx इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू ये आ गया 2x माइनस x माइनस वन अपॉन रूट एक्स। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? टू एक्स का नहीं किया, x ऑलरेडी था तो 2 ले गया मैं, हाँ केवल 2 को मैं ले गया, क्योंकि मेरे को जो स्ट्रक्चर बनानी है वो ये बनानी है, ठीक है ना, तो मेरे पास 2x dy by dx की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना, मेरे पास 2x dy by dx की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई मैं करता हूँ, मेरा आंसर दिखने लगेगा मुझे, 2x dy by dx इक्वल टू, मैंने 2x के नीचे रूट एक्स को रख दिया, सो 2x अपॉन रूट एक्स है, माइनस ये बन जाएगा माइनस का x, x अपॉन रूट एक्स और माइनस का 1 अपॉन रूट एक्स, तो इसको देखिए रूट एक्स से x कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स टाइम बच जाएगा, ओके, और हमारे पास y कितना था, देखिए y जो हमारे पास था रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स था, है ना, तो बस आंसर हमारा आने वाला है, तो 2x dy by dx, ठीक है ना, और ये देखिए ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 2 है यहाँ पे रूट एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस का रूट एक्स और माइनस 1 बाई रूट एक्स, ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2x dy by dx प्लस रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स और माइनस का टू रूट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये देखिए रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स जो है ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, ये देखिए स्टार्ट में ही आपने क्वेश्चन लिया था कि इसकी जो वैल्यू थी रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स की वैल्यू कितनी थी, वाई थी, तो मैं इसकी जगह पूरे के जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, वाई, तो बस मेरा आंसर आ चुका है 2x dy by dx प्लस वाई माइनस टू रूट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये हैंस प्रूव्ड हमने कर दिया, इसको कंप्लीट हो गया ये, डन। देखिए आपने पूछा है y इज इक्वल टू कॉस की पावर माइनस वन साइन एक्स, तो ये इनवर्स फंक्शन है बेटा, तो इनवर्स फंक्शन हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बायो स्टूडेंट के लिए इनवर्स फंक्शन नहीं है, कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स, ठीक है बेटा? चलो वैसे बता देता हूँ, तो y इज इक्वल टू बेटा कॉस इनवर्स, मतलब इतना तो अप्रोच लगा सकती हो कि कॉस का उल्टा फंक्शन, बोलो ये सुनो, और साइन एक्स इक्वल टू होता है कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स, बोलो ये सुनो, तो कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स उल्टा फंक्शन और कॉस सीधा फंक्शन, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया पाई बाय टू माइनस एक्स, सो नाउ डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएट जीरो,
और माइनस का माइनस एक्स का हो गया 1, तो आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। बट बेटा बायो स्टूडेंट के लिए इनवर्स वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, इनवर्स फंक्शन आपके लिए नहीं है। ओके ओके सर, चलिए फिर भी इतना अप्रोच मैंने डेवलप कर दी है, ये देख सकते हो आप। yes, चलिए बच्चों, तो आगे की बात करते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन दोनों बन गए होंगे। इसमें आपका साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको करना बताया था, और एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से बन गया होगा आपसे। हाँ बताइए स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम है इन दोनों क्वेश्चन में, कुछ पूछना है क्या? नो सर। वेल डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इनके सोल्यूशंस भी दिए हुए हैं। साइन टू एक्स जो है, आपको साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है। अब साइन टू एक्स को फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, पिछली क्लास में ही बताया था कि साइन टू एक्स कैसे करना है। तो आपके पास यदि फंक्शन है वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स, तो बताया था मैंने कि साइन टू एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये होता है। तो फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स लगेगा किसके ऊपर, साइन एक्स और कॉस एक्स के ऊपर। और फर्स्ट और सेकेंड की रूल लगा के आप इसको करेंगे। सो कैसे सॉल्व होगा, टू फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स है, फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, माइनस साइन एक्स, फिर बीच में आता है प्लस, फिर सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। ओके, तो कितना आ गया यहाँ पे देखिए अपने पास में, यहाँ पे आ गया टू, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, सो इसको मैं लिख सकता हूँ टू टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स आगे और साइन स्क्वायर एक्स पीछे। कल मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस टू एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो आंसर कितना आ गया, टू कॉस टू एक्स। बोली क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलिए एक और मेरे पास मेथड है जो हम, जिसको मैंने बोला है, नाम दिया है, जिसको मैं बोलता हूँ डंडा मेथड। ओके, इस मेथड का नाम है डंडा मेथड। तो ये जो मेथड है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, बट कब यूज़ करेंगे, जिस समय आपका फंक्शन जो है वो x पे डिपेंड ना हो, x के अलावा वो किसी और पे डिपेंड हो, जिसे मान के चलो 2x पे डिपेंड हो, 3x पे डिपेंड हो, किसी और चीज़ पे डिपेंड हो, तब आपका ये मेथड लगेगी डंडा मेथड। जैसे एग्जांपल के लिए यही क्वेश्चन था y इज इक्वल टू साइन टू एक्स, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले आप जो है इस तरह से लेफ्ट साइड से डंडा चलाओ, तो पहला डंडा किस पे चलेगा, साइन पे। तो नॉर्मली सोचो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स। तो आपने क्या करना है, कॉस और जो अंदर का उस पे तो डंडा चलाया नहीं, तो वैसे का वैसे ही रख दो कॉस टू एक्स। अब आगे डंडा चलाओ, साइन पे तो डंडा चल चुका, अब टू एक्स पे डंडा चलाओ, तो टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू है कॉन्स्टेंट, टू का हो गया टू कॉन्स्टेंट का, और एक्स का हो गया वन, तो टू वन जा टू, तो फाइनली आंसर हो गया टू कॉस टू एक्स। तो अभी आपने ऊपर सॉल्व किया, वहां से भी आया टू कॉस टू एक्स, और इधर भी कितना आ गया आपका, टू कॉस टू एक्स। तो ये एक स्पेशल टाइप की मेथड है जिसको मैं डंडा मेथड बोलता हूं। इससे आप जो है ऐसे क्वेश्चन जो सीधे एक्स पे ना डिपेंड हो रहे हो उनको आप कर सकते हो। बोलो क्लियर हुआ बेटा? चलिए, सो अगला क्वेश्चन एक्स साइन एक्स है, वो तो आप कर ही लेंगे, प्रोडक्ट रूल है। अब जैसे देखो भाई, ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे है आपके पास में साइन थ्री एक्स। अब साइन थ्री एक्स को मैं डंडा मेथड से बड़े आराम से कर सकता हूँ। भाई सबसे पहले साइन के ऊपर डंडा चलेगा, तो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस, कॉस के अंदर थ्री एक्स रख दो, क्योंकि साइन पे डंडा चल चुका। अब थ्री एक्स पे डंडा चलाओ, तो थ्री का हो जाएगा थ्री बाहर और x का हो गया 1, तो फाइनली आंसर कितना हो गया, 3 cos 3x। यस, आ गया समझ में? चलिए इसी तरीके से cos 3x का करते हैं। तो cos 3x का सबसे ऊपर cos का डंडा चले, cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन 3x पहले, कॉस के ऊपर डंडा चला 3x, और अब 3x के ऊपर डंडा चलेगा, तो 3 का हो जाएगा 3 और x का हो गया 1, तो आंसर कितना हो गया, माइनस 3 साइन 3x। यस सर।
ओके डन। ओके अब टेन फोर एक्स का डिफरेंशिएशन भी मैं करता हूं तो टेन एक्स का कितना होता है sec स्क्वायर x, तो टेन के ऊपर डंडा चलेगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 4x, और फिर 4x के ऊपर डंडा चलेगा तो 4 का हो गया 4 और x का हो गया 1, तो आंसर कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई sec स्क्वायर 4x। डन। तो बच्चों इस तरीके से हम इंटीग्रेशन और सॉरी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कॉस ए एक्स प्लस बी को भी क्यों रहने दें, इसको भी कर देते हैं। तो कॉस के ऊपर डंडा चलेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस का होता है माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी, और अब फिर ए एक्स प्लस बी में डंडा चलाओ तो ए कांस्टेंट है, एक्स का हो गया वन और बी का हो गया जीरो, और बी का हो गया जीरो, तो आंसर कितना आ गया माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ओके, माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। तो ये डंडा मेथड हमारी बहुत मदद करती है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, यदि आपको ये समझ में आ गया है। एक मिनट भाई साहब, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछने वाला हूँ, मुझे बताइए आप डिफरेंशिएशन डी वाई डी टी साइन ओमेगा टी, ये आपके काम का है, ये आपके क्लास ट्वेल्थ में आएगा। ये लिख दिया मैंने डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, साइन ओमेगा टी का साइन का डंडा चलेगा तो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी पे डंडा चलेगा तो ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और टी का हो जाएगा वन, सो आप इसको लिख सकते हो ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, मतलब लॉजिक ये निकल के आ रहा है कि जो चीज वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होती है डिफरेंशिएशन में वो चीज़ बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पे टी के साथ ओमेगा था तो ओमेगा बाहर आ गया। ओके तो डिफरेंशिएशन यही करता है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है फंक्शन के साथ, टी के साथ, वेरिएबल के साथ, उसको वो बाहर कर देता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर आपका माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी ही होगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए तो यहां पर डिफरेंशिएशन हमने पूरा कर लिया है। अब बाकी के क्वेश्चंस में देखिए अब कौन से रूल लगेंगे। अब लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है। ठीक है ना, चलिए चलिए तो ये log ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करके बताओ, मुझे बताओ। अरे सिंपल है एकदम,
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लॉग ए एक्स प्लस बी का डिफरेंस। वेरी गुड, बिल्कुल सही, ए अपॉन ए एक्स प्लस बी। भाई लॉग का है तो सबसे पहले लॉग पे डंडा चलेगा तो वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी पे चलेगा तो ए एक्स का हो गया ए, एक्स का हो गया वन और बी का हो गया जीरो, तो आंसर आ गया ए अपॉन ए एक्स प्लस बी। बोलो क्लियर है? ओके डन। तो ये आपके डिफरेंशिएशन हो गए, आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन पूरा हो जाता है। अब डिफरेंशिएशन का यूज़ क्या होता है? डिफरेंशिएशन का यूज़ हुआ करता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मेज़र करने में, तुरंत की रेट ऑफ चेंज मेज़र करने में कि कोई चीज़ कैसे बदल रही होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, जैसे क्वेश्चन यहाँ लिखा है इफ़ एस इक्वल टू 2 3 cube minus 3 t square plus 2, फाइंड द पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, s इज मेजर्ड इन मीटर एंड t इन मेजर्ड इन सेकेंड। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? yes, बेटा हर्षी का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो एक बार। हाँ सर, पढ़ लिया। चलो क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि s की वैल्यू इतनी दी गई है, यहाँ पर s क्या है? पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बेटा, लिख लो। फिजिक्स में s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, उसी को पोजीशन बोलते हैं। तो फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, मतलब तीन चीज़ें निकालनी है, 2 सेकेंड पर पोजीशन निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है। क्लियर? अब कैसे करते हैं सॉल्व, आ जाओ सॉल्यूशन पे। ये है सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट है 2 t cube minus 3 t square plus 2, और यही हमसे बोल रखा है 2 सेकेंड पर। तो जहां जहां पर t है वहां पर आपको 2 सेकेंड रखना है। हाँ बेटा, आपके पास क्वेश्चन होगा तो जहां पर t है वहां पर आप 2 सेकेंड रख दो। चलो छोटू लिखो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू s इक्वल टू 2 t cube, लिख रहे हो? yes, sir, 2 t cube minus 3 t square plus 2, लिखो s इक्वल टू 2 t cube minus 3 t square plus 2। हाँ, अब यहां पर आपसे पूछ रहा है 2 सेकेंड पर बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो बेटा यहां पर s की वैल्यू आपको कितने सेकंड पर फाइंड करनी है? 2 सेकंड पर। तो बेटा जहां जहां पर t है वहां पर 2 सेकंड रख करके बताओ कि डिस्टेंस कितनी निकल रही है। बिल्कुल हाँ, हाँ बोलो बेटा। सर स्क्रीन शो होना बंद हो गई। हाँ आप एक काम करो, मैंने क्वेश्चन दे दिया ना आपको, s इक्वल टू 2 t cube minus 3 t square plus 2, लिखा ना आपने क्वेश्चन? हाँ सर लिख लिया। हाँ तो बोलिए 2 t cube minus 3 t square plus 2 है तो बताइए डिफरें, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 सेकेंड पर? सर 2 meter आ रहा है। रॉन्ग आ रहा है, गलत आ रहा है। देखिए आप 2 t cube minus 3 t square plus 2 है, तो जब आप t की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 t cube यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 into 8 होगा। yes, sir. -3 into 4 होगा। yes, प्लस 2 होगा। yes, 2 8 जा 16, 3 4 जा 12 प्लस 2, तो पहले प्लस प्लस वालों को ऐड कर दो, 16 प्लस 2 कितना हो गया? 18, और 18 में से 12 गए कितना बचा? 6 मीटर बचा कि नहीं बचा? तो कितना आ गया? 6 मीटर आया कि नहीं आया? yes, हाँ तो लिखिए डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है? 6 मीटर। यस। अब आपने पढ़ा होगा हर्षिका कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी पढ़ा होगा आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? yes, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो।
मतलब s को क्या कर दो, ds बाई dt करो। चलो अपने से ds बाई dt करके दिखाऊं मुझे। ds वेरी गुड, बहुत अच्छे, 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई, क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन आया होगा कितना, डिफरेंशिएशन आपका आया होगा 60 स्क्वायर माइनस 60, है ना, 60 स्क्वायर माइनस, हाउ मच, हेलो हर्षिका, वेलोसिटी बताइए कितनी आई। वेलोसिटी फंक्शन कितना आ रहा था, 60 स्क्वायर माइनस 60 आया ना। हाँ, तो उसमें t की वैल्यू 2 रख देंगे तो आंसर कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यस सर। और एक्सेलरेशन आ रहा है 18 मीटर। कैसे आया एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन कैसे आया सर? एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। हाँ, तो वेलोसिटी को दोबारा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो वेलोसिटी फंक्शन को आपने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो वो एक्सेलरेशन बन जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये आपका आ गया 12t माइनस 6, राइट। और उसमें t की वैल्यू रख देंगे तो आंसर हो गया 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, डन, बिल्कुल सही है आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बेटा ये आपका वर्क है, होमवर्क है, तो इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। चलिए, तो यहां पर डिफरेंशिएशन पूरा हो जाता है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है आपका इंटीग्रेशन। ओके, तो अब मैं आपको इंटीग्रेशन बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन क्या हुआ करता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को इंटीग्रेट करना, यूनाइट करना। तो इंटीग्रेशन एक्चुअली आपको क्या देता है, आपको एडिशन दिया करता है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का काम है एक तरीके से एडिशन करना। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन, बेसिकली इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समझते हैं इंटीग्रेशन को, हेडिंग बना लीजिए इंटीग्रेशन। यस सर, बना लीजिए। जैसे कि अभी तक आप जो है डिफरेंशिएशन करते थे साइन एक्स का, और साइन एक्स के डिफरेंशिएशन से आप लेकर के आते थे कॉस एक्स, लाते थे ना। यस सर। हाँ, अब आपको साइन एक्स के डिफरेंशिएशन से कॉस एक्स मिल गया, अब आप कॉस एक्स से वापस साइन एक्स लाने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहली चीज लिखिए, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको ऐसे समझिए कि यदि आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, और अगर आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, सो आप कहते हैं कि मैं dy/dx फाइंड कर रहा हूं, और dy/dx होता है f'x। dy/dx कहलाता है f'x। तो fx से f'x तक पहुंचने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब डेरिवेटिव तक पहुंचने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और वापस आने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। बस इतना ही समझना आपको, है ना। मतलब अगर आपके पास fx है, यानी कि y है, fx का दूसरा नाम y भी होता है, तो
तो आप इसको डिफरेंशिएट करके कहां पर ले जाते हैं, एफ डैश एक्स में, जिसको हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। एफ डैश एक्स को हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और वापस हम इंटीग्रेट करके डी वाई बाई डी एक्स को या एफ डैश एक्स को हम किस में बदल देते हैं, एफ एक्स में, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड हैं वो आपको याद होना चाहिए, तब आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये देखिए शीट में आपके पास फॉर्मूले हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, क्यों, बिकॉज एक्स का इंटीग्रेशन वन होता था, डी एक्स मतलब कुछ भी नहीं, मतलब वन है, तो वन का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स होगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ वन इज इक्वल टू एक्स। एक्स की पावर माइनस वन मतलब वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग एक्स, ठीक। हाँ, आपको पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन एक्स, बस, ठीक है ना। दूसरी यदि मैं बात करूं तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता था कि नहीं होता था, हाँ, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन